2024 के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार जो है वो काफ़ी सक्रिय, काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और विपक्ष के जो नेता हैं उनको एकजुट करने में जुटे हैं। विपक्षी पार्टियों को अभी पिछले दिनों वो दिल्ली आए थे, उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी, ओम प्रकाश चौटाला से वो मिले थे, सीताराम येचुरी से मिले थे, लेफ्ट के जो नेता हैं बाकी उनसे भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो सभी विपक्ष को वो एकजुट करने में जुटे हैं और उसके बाद ये सवाल जो है उठना स्वाभाविक है कि क्या नीतीश कुमार 2024 के लिए जो है वो अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हैं, क्या 2024 में वो विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, यही सवाल सबके मन में है और इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। तो नीतीश कुमार जो है पिछले दिनों उनका एक बयान सामने आया था, उन्होंने हाल ही में मीडिया के सामने कहा था कि अगर 2024 में उनकी सरकार बनती है तो जो पिछड़े राज्य हैं उनको विशेष राज्य का दर्जा वो देंगे और लगातार बिहार को लेकर वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। नीतीश कुमार ने इसको एक बार फिर से दोहराया कि उनकी अगर सरकार 2024 में बनती है तो जो पिछड़े राज्य हैं उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इससे पता चलता है कि नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि वो 2024 को लेके काफ़ी एक तरह से आप कहें कि पॉजिटिव हैं और काफ़ी 2024 को लेके अपने दावेदारी को लेकर वो उनके मन में जो है वो तस्वीर साफ है, भले ही वो खुलकर अभी कुछ भी ना बोल रहे हों लेकिन कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने ये कई बार साफ कर दिया है कि वो विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं। विशेष दर्जा की मांग को निरंतर हम करते रहे, पूरी सरकार की तरफ से करते रहे, सारा कैंपेन चलाते रहे, हमेशा बोलते रहे, जब भी कोई मीटिंग होती रही पटना के लिए नहीं मांगे। अगर सरकार का मौका मिलेगा अगली बार में मिलनों की जगह पर, हम लोग जो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होकर के अगर लगेंगे सरकार बनाएगी तो जो सरकार बनेगी निश्चित रूप से पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देगी। हम सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ अन्य पिछड़े राज्यों की भी बात कर रहे हैं जिनको मिलना चाहिए। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी चुनौती है नीतीश कुमार के सामने वो है विपक्षी एकता, यानी विपक्ष को किस तरीके से वो एक रख पाते हैं, खास तौर से जो कांग्रेस है सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी देश की, जिसने जो बरसों सत्ता में रही है उसको वो कैसे मना पाएंगे। एक तरफ जो कांग्रेस है उसके भीतर से ये आवाज़ उठती रही है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, हाल में अभी अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव होने हैं कांग्रेस में, भारत जोड़ो यात्रा दूसरी तरफ चल रही है, राहुल गांधी उसकी अगुवाई कर रहे हैं, ऐसे में नीतीश कुमार का सब विपक्षी दलों को एकजुट करना, शरद पवार से मिलना, केजरीवाल से मिलना, सोनिया गांधी से मिलना, ओम प्रकाश चौटाला से मिलना और जो विपक्ष के बाकी नेता हैं उनसे मिलकर एकजुट होकर विपक्षी एकता को एकजुट करना और 2024 की कहीं ना कहीं उस दिशा में आगे बढ़ना, तो कहीं ये सवाल लोगों के मन में है क्या नीतीश कुमार इस दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और क्या वो वाकई जो है विपक्ष के नेता होंगे, विपक्ष का एक चेहरा होंगे जो कि 2024 में चुनाव लड़ेंगे और विपक्ष के तौर पर और अपनी दावेदारी पेश करेंगे। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि अभी जब अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव से उनकी मुलाकात हुई थी तो अखिलेश यादव ने उन्हें एक पॉजिटिव जेस्चर नज़र आया था मुलाकात के दौरान और ये भी कहा, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनको जो है वो ये पेशकश की गई है कि वो प्रयागराज की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ें, ऐसी खबरें आ रही हैं। फूलपुर सीट मैं आपको बता दूँ कि इसका एक अपना महत्व रहा है, यहाँ से एक लंबा इतिहास रहा है, यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू गांधी परिवार जो है यहाँ से चुनाव में अपनी किस्मत आजमाता रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां से चुनाव लड़े, 3 बार संसद में पहुंचे, प्रधानमंत्री बने, उसके अलावा वीपी सिंह यहां से चुनाव लड़े, जीतकर प्रधानमंत्री बने और इसीलिए सीट की जो का जो महत्व है वो बढ़ जाता है। खास तौर से नीतीश कुमार को लेकर इसलिए भी नाम सामने आ रहा है कि ये एक तो यूपी की बहुत महत्वपूर्ण सीट हो जाती है, इसके अलावा वाराणसी से जो प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र है वहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका आता है और ये जो फूलपुर सीट है ये बेसिकली यहाँ पर कुर्मी वोटर जो हैं 3 लाख से ज़्यादा हैं और नीतीश कुमार भी कुर्मी जाति से आते हैं, जाहिर सी बात है ये एक बहुत मेन फैक्टर है अगर ऐसी बात सामने आ रही है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि यहाँ पे 5 विधानसभा सीटें हैं इस फूलपुर सीट में और
यहाँ पर जो है फूलपुर सीट की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा फूलपुर के अलावा जो है वो अंबेडकर नगर और मिर्ज़ापुर से भी चुनाव की पेशकश नीतीश कुमार को की गई है। यानी ऐसी खबरें हैं कि फूलपुर तो है ही है, इसके अलावा जो यूपी की अंबेडकर नगर सीट है और जो मिर्ज़ापुर सीट है वहाँ से भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चुनाव लड़े। पिछले दिनों जो जेडीयू के अध्यक्ष थे लल्लन सिंह, उनका बयान सामने आया था, उनसे जब पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन्होंने ना तो हाँ कहा और ना तो ना कहा। और जाहिर सी बात है उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ये फैसला जो है वो नीतीश कुमार को करना है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे और क्या वो 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ते भी हैं या नहीं, ये फैसला जो है उनका होगा। दूसरी तरफ अगर हम मेन जो ख़ास बात यह है कि अगर नीतीश कुमार मान भी लिया जाए कि सब विपक्ष को एकजुट करने में वो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि वो बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को एकजुट कर पाते हैं, मतलब कांग्रेस को वो अपने पाले में ला पाते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है सबसे बड़ा विपक्षी दल है और जाहिर सी बात है उसके बिना चुनाव लड़ना ये किसी भी विपक्षी दल के लिए जो है एक असंभव सा है, क्योंकि एक कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है, देखें तो सालों उसने जो है वो राज किया और सालों जो भारतीय राजनीति में उसकी भूमिका रही। ऐसे में नीतीश कुमार राहुल गांधी को मना पाते हैं, जो कांग्रेस आलाकमान है उसको मना पाते हैं, अभी कांग्रेस के चुनाव होने हैं, काफ़ी कुछ उसके बाद भी तस्वीर क्लियर होगी, लेकिन ये शुरुआती जो खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है नीतीश कुमार के लिए क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि 40 सीटों के सहारे, जो 40 सीटें लोकसभा की बिहार की हैं उसके सहारे वो दिल्ली तक नहीं पहुंच सकते, तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा सीटों वाला राज्य है यानी यूपी, जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं, वो उसकी बदौलत ही 2024 का ख्वाब उसको वो कहीं ना कहीं सच कर सकते हैं, अगर उनके अंदर वैसी काबिलियत हुई या फिर वैसी वो चुनौती दे पाते हैं या फिर उनको विपक्ष का वैसा साथ मिला। ये कई सारे सवाल हैं जो जिनका जवाब उनको भी तलाशना है और आने वाले दिनों में इन सवालों का जवाब भी मिल जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार की राह इतनी आसान अभी फ़िलहाल नहीं है। सबको एकजुट रखना, सबको साथ लेकर चलना, नीतीश कुमार की हम बात करें तो वो अभी हाल फिलहाल में उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन बिहार में तोड़ा था, बीजेपी से अलग हुए थे और आरजेडी के साथ तेजस्वी यादव के साथ वो आए थे और तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाई और वो सरकार चला रहे हैं। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि नीतीश कुमार की दावेदारी इसलिए भी ख़ास हो जाती है कि वो एक ऐसा चेहरा है, साफ़ सुथरी छवि है उनकी, अब तक एक लंबा उन्होंने सरकार चलाने का उनके पास अनुभव है और विपक्ष एक ऐसे चेहरे की तलाश में है जो कि 2024 में कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी को टक्कर दे सके और बीजेपी का सामना कर सके। ऐसे में नीतीश कुमार जो है वो विपक्ष अगर इसमें कामयाब हो जाता है तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के लिए भी आगे की राह आसान हो जाएगी और वो कहीं ना कहीं उनका जो राजनीतिक करियर है वो भी, उसको भी वो परवान चढ़ा पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे प्रधानमंत्री की दावेदारी को लेकर और क्या नीतीश कुमार जो है ख़ास तौर से कांग्रेस को वो अपने पाले में ला पाएंगे, इस बात पर हामी भरा पाएंगे कि क्या वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं। ऐसे में अब यही देखना होगा, सबकी निगाहें अब इसी बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन इन सब सवालों के बीच जो है वो एक सवाल और है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, नीतीश कुमार को लेकर भी कई तरह के लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं, क्योंकि वो उन पर ये आरोप भी लगते रहे हैं कि वो उनके मन का, मतलब उनके मन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं। हमने पिछले अगर हम 4-5 साल का अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जिस तरीके से वो पहले उन्होंने सरकार बनाई थी आरजेडी के साथ और महागठबंधन के साथ, फिर वो बीजेपी के साथ चले गए थे, फिर बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार तोड़ी और फिर वो अब दोबारा से तेजस्वी यादव महागठबंधन के साथ आए हैं और अब वो 2024 का प्लान कर रहे हैं, 2024 को लेकर वो काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं। लेकिन मन में सवाल लोगों के यही है कि क्या नीतीश कुमार जो है
वो उनके उनका जो मिजाज है और जो जिस तरह की राजनीति वो करते हैं, क्या वो उसमें स्टेबिलिटी रहती है उसके अंदर, या फिर जिस तरीके से उन पर आरोप लगते रहे, कई तरह के नाम दिए गए उनको कि वो पलट जाते हैं अक्सर जो है, तो क्या वो ऐसा भी कर सकते हैं? ये सब सवाल हैं उनके सामने। हमने इन्हीं सवालों को के जवाब जो है तलाशने की इस वीडियो में कोशिश की। आप इसी तरह की वीडियो देखने के लिए टाइम्स ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।